हेलो, मेरे पे क्लोजिंग की है तो हमारे तो बजा वाह इस साइड आ रहा हूँ। पीछे से भाग के नेड़ा में पे, कुछ यहाँ पे लेटा हुआ एक बंदा क्लोज में। मैं वेयरहाउस जा रहा, सुन होल्ड करना, मैं वेयरहाउस जा रहा, मैं इसको मारता एंगल बना के। ठीक है तो होल्ड को, एक लेटा हुआ फेंस के बाहर। ठीक है होल्ड करियो थोड़ी देर। मैं ना सुन वहां जा रखा, बोल पीछे जो है ना जगह है ना, क्या बोलते हैं ओ, अबे लवड़ा वो रिज, समझ गए। वहां से फेंस वाले को नॉक करता हूँ, नॉक फिनिश करूं। अरे ये मैंने घुसा फिनिश नहीं होगा फेंस पे, ये नहीं हो पाएगा। कौन से फेंस पे हम पुश करते ना यार? हाँ राइट से पुश करो, वो सामने तेरे गिरा हुआ है रौनक। होल्ड कर मैं आ रहा। 2v2 है, 2v2 है गाइस। क्रॉस फायर बना, मेरा अंदर होल्ड कर दे 5 सेकंड। ऊपर आ गए, ऊपर एक ऊपर, दोनों ऊपर फिनिश करेंगे इनको। मैं हील कर रहा हूँ, मेरे पे को हील करना पड़ेगा, मुझे भी हील करना पड़ेगा, हील करना पड़ेगा। ओवेस नीचे आ रहा है, आ जा हील कर लिया। हाँ हाँ आ जा, बैक लो किया एक को, ऊपर अंदर ऊपर गया, लो किया मैं 1 HP, ऊपर गया मैं, रिवाइव दे रहा, नहीं नहीं दे रहा, चल भाई चल, लो किया उसको बोल। सारा कनेक्ट इधर देखो, भाई यहाँ पहाड़ के नीचे जाके बैठ जाता हूँ। ब्रो 16 वही अलाइव है, ऑलरेडी काफी ज्यादा डैमेज ले लिया उनके बाद, वो फर्स्ट एड उनमें से एक फर्स्ट एड अभी पॉप करेंगे और एक मेडिक लेके 100% HP करेंगे, बट ट्रेड कुछ भी करके अपनी किल्स यहाँ पर बचानी पड़ेगी यहाँ पर। ओके 416 का काफी सुंदर यूज यहाँ पर, नैन को पिक ऑफ करा, अब क्रेटोस को धीरे धीरे रोटेट करना पड़ेगा, उसकी प्रॉब्लम होगी उनके पास एक हाई रेंज एडवांटेज है। और ओके टी चला नीचे गिरते हैं और सीधा नॉकआउट हो चुके हैं। ओके यहाँ पे ये मोलोटोव फेंका, काफी स्मार्ट है, ऐसे सिचुएशन में यूटिलिटी यूज करना एक मजाक की बात नहीं है। क्रेटोस लेट गए सीधा, बट ज्यादा देर की बात नहीं, गनर ने यहाँ पे क्रेटोस को पिक ऑफ किया, बट इट वॉज ओपी परफॉर्मेंस बाय समीर चौबे, काफी अच्छा खेला उन्होंने वहां पे। टेड अभी भी ब्लू जोन में बैठे हैं यहाँ पर, मिखाल जी उन्होंने अच्छी पोजीशन ले रखी है, बट फिनाटिक जोन का काफी सुंदर यूज करिए, सारी टीम को उनकी तरफ आना है और वो आराम से होल्ड करेंगे। मेरे हिसाब से जैसा मैंने बोला था चिकन डिनर, उनसे कोई भी नहीं छीन सकता, जो सबसे ज्यादा अच्छे चांसेस है वो सिनर्जी, अगर सिनर्जी को उन्होंने पिक ऑफ कर लिया, मुझे नहीं लगता कि फिनाटिक के हाथ से ये चिकन डिनर कोई भी छीन सकता है, बिकॉज सबके पास पोजिशन है, सबके पास स्किल्स है। यहाँ पे जो स्काउट एज ओवेस रौनक, अपना जो उनका मेन को लाइनअप है, गेम वन गेम टू के अंदर किल्स तो काफी अच्छी लगी थी, जो हम जानते हैं कि फनाटिक किसके लिए फेमस है, तो किल्स तो काफी परफेक्ट निकाल रहे हैं यहाँ पर। ओके रौनक ने यहाँ पे स्टाइडो को पिक ऑफ कर लिया यहाँ पर, और अब यहाँ पे जो अगले शिकार होंगे वो टेडो सिर्वी होंगे, बट टेडो सिर्वी के पास कोई भी कवर नहीं है, वहीं पे एश के पास काफी अच्छा कवर ऑलरेडी है। अब ये ब्लू जोन आता है, उन्होंने यहाँ पे एक प्लेयर को स्पॉट करा, कुछ करते उससे पर टेड ने एक्सी को नॉकआउट करा, वहीं पे एश ने टेड को यहाँ पे नॉकआउट कर दिया। सीर भी अभी भी होल्ड ऑन कर रहे हैं, मिकाल जी ही जस्ट वॉन्ट्स की भाई सामने वाले उनके प्लेयर्स को थोड़ा सा, वहीं पर रौनक ने गनर की किल कंफर्म करी। एश ने यहाँ पे मिकाज़े सीरवी का भी गेम यहाँ पे खत्म कर दिया, अपनी उनका शिकार बनते हैं टीम एक्सट्रीम, एंड यहाँ पे अकेला टीम चला बचे अपनी टीम के रिप्रेजेंटेटिव, इट्स अ 1v4 सिचुएशन, मुझे लगता नहीं उनके फेवर में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सर्कल जो है अभी नहीं तो अगला सर्कल उनको नीचे उतरने में मजबूर करेगा, जब वो नीचे उतरेंगे उनका स्वागत ही को बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़ा, यही
टीम है, जैसे सिनर्जी को भी काफी हद में यहाँ पे गेम में खराब किया, वहीं पे टीचर ने यहाँ पे स्काउट को नॉकआउट करा, गेम से खत्म करा, बट एक एक किल काफी ज्यादा जरूरी हो सकती है। डोंट टेल मी फिनेटिक एक एक करके आप एक किल देने वाली है, मेरे हिसाब से बेटर टू प्ले पैसिव आराम से, उनको वेट करना चाहिए कि टीचर को खुद ही ऑफिस आना पड़ेगा। यहाँ पे ओपन सर्कल है, यहाँ पे ऑलवेज वेट करें नीचे कि अगर टीचर नीचे कूदते हैं, क्योंकि अगर नीचे कूदते हैं तो उनका बचना वैसे कंफर्म है। मेरे हिसाब से राइट पे एक रिज है, वहां पे अगर कूद के नीचे करेंगे फिर भी चांस होगा। वहीं पे रौनक ने यहाँ पे टीचर को पिक ऑफ करा, एंड जो थर्ड गेम था PUBG मोबाइल प्रो लीग साउथ एशिया स्क्रिम्स का सैनॉक में, वो निकाली यहाँ पे फनाटिक ने।